गांव की सरकार संवाददाता सुरेंद्र देलू के साथ देखिए टुडे 24 पर। खाजूवाला पंचायत समिति से सटी ग्राम पंचायत 22 केवाईडी में भी अब चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है। मतदान की तारीख नजदीक आने के साथ ही चुनाव प्रचार अब अपने परवान पर है। यहां 5 प्रत्याशी मैदान में हैं, तो वहीं कुल 3386 मतदाता हैं। अब मतदाताओं में भी उत्साह बढ़ता नजर आ रहा है। 22 केवाईडी के ग्राम पंचायत में मतदाताओं का कहना है कि शिक्षा व चिकित्सा की व्यवस्था सुचारू रूप से शुरू की जाए ताकि बालिकाओं को अन्यत्र न जाना पड़े। प्रधानमंत्री आवास योजना तथा नरेगा के तहत श्रमिकों को पूरी मजदूरी मिले, इसको लेकर महिला प्रत्याशी संजना मेघवाल ने मतदाताओं को आश्वासन देते हुए कहा कि अगर 5 साल का मौका जनता की सेवा करने के लिए मिलता है तो निश्चित रूप से शुद्ध पेयजल, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले पक्के मकान, नरेगा के तहत पूरी मजदूरी गरीबों को मिले तथा ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल मिले, यह हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। 22 केवाईडी ग्राम पंचायत की महिला उम्मीदवार संजना मेघवाल से अपने ग्राम पंचायत के तहत टुडे 24 से बातचीत की हमारे संवाददाता सुरेंद्र डेलू ने। चुनाव 2020 के अंतर्गत खाजूवाला पंचायत समिति की 31 ग्राम पंचायतों में 10 अक्टूबर चौथे चरण में चुनाव होने हैं। इसको लेकर धीरे धीरे जैसे ही तारीख नजदीक आ रही है मतदाताओं में उत्साह बढ़ रहा है, तो वहीं उम्मीदवार भी अब जनसंपर्क करने में जुट गए हैं। खाजूवाला की 31 ग्राम पंचायतों में 108 उम्मीदवार हैं। चुनाव चिन्ह आवंटित होने के साथ ही अब तस्वीरें साफ नजर आ रही है। आप देख सकते हैं इस समय जहां कोविड-19 एक महामारी है, इसे बचने के लिए मतदाताओं में भी कहीं ना कहीं डिस्टेंस नजर आ रही है, तो वहीं मास्क का भी प्रयोग करें। इस समय स्थानीय चुनाव के साथ साथ यहाँ पर स्थानीय विकास के मुद्दे हावी हैं। ग्राम पंचायत में जहाँ भी जा रहे हैं तो वहाँ शुद्ध पेयजल एक बड़ी समस्या नजर आ रही है। बात करें भूमि आवासीय पट्टे, डाट कवरिंग, चिकित्सा शिक्षा के लेकर एक बड़े मुद्दे सामने आ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर महिला मतदाता भी हम इसे जानना चाहते हैं। 10 तारीख को चुनाव है, आपको किस तरीके का उम्मीदवार चाहिए ताकि क्षेत्र का विकास हो सके, और आपके गाँव में क्या क्या समस्या नजर आ रही है? साढ़े तो पता जी समस्या बथेरी, मेरे कमरे डिगण वाले वो जरा लाने आया सी दिता नहीं। बिल्कुल बड़ी समस्या नजर आ रही है। 10 तारीख को चुनाव होगा, किस तरीके का उम्मीदवार आप चुनेंगे ताकि गांव की सरकार के साथ साथ आपके क्षेत्र का भी विकास हो सके, क्या समस्या आप देख रहे हैं? समस्या हमारा भाई गाँव सारा ही प्रमद होना चाहिए है, हमारा पानी को नहीं डिग्गिया में और पानी को नहीं छप्पड़ में, और मैं जड़ी हो जावे पानी चढ़ जावे हमारा ताल है, ताल न माँ पानी सारे जुड़ जाता आप लड़ सके, तो हमारा खालियाँ बनिया चाहिए है पक्की छड़ कर चारा तरफ सारे सारे टोटल है, जितो गांव है जितो सारे बननी चाहिए खाली। और भाई और आदमियों ने पूछ ले लो गई बात, जोड़ पायतान के साथ साथ शुद्ध पेयजल भी एक बड़ी समस्या है। महिलाएं सबसे ज्यादा शुद्ध पेयजल को लेकर इनमें कहीं ना कहीं आक्रोश भी है। शुद्ध पेयजल एक बड़ी समस्या है, इसके अलावा सड़कों से भी आज कई चक वंचित हैं। ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य अभियान अपनाए, अपने जो कोविड बीमारी चल रही है इसके दूरी बनाए रखे, ज्यादा से ज्यादा मास्क भी पहने और अपने स्वास्थ्य की अपने आप ध्यान रखें और हमें स्वास्थ्य जल की उपलब्धता कराई जाए। और बालिका होने के साथ साथ आप क्या उम्मीद करते हैं कि आपके क्षेत्र के अंदर एक ऐसा बालिका विद्यालय भी बने ताकि बहन बेटियों को दूर तक ना जाना पड़े? हाँ, विद्यालय बने और रोड वगैरह उनके रोड वगैरह बहुत टूटी हुई है वो बने, और साफ सफाई और पानी का व्यवस्था हो, और ये मास्क वगैरह पहन के रखे सब दूर कचरा। हाँ बिल्कुल, अब की बार कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर भी, चिकित्सा को लेकर भी कहीं ना कहीं मुद्दे पंचायत में भी सामने आ रहे। हमारे साथ यहाँ पर ग्राम पंचायत 22 केवाईडी की उम्मीदवार संजना मेघवाल है, हम इनसे जानना चाहते हैं। ग्रामीणों ने बड़े मुद्दे बताए हैं जो लेकर शुद्ध पेयजल एक बड़ी समस्या, जोड़ पायतान को लेकर समस्या, क्या प्राथमिकता रहेगी अगर आपको 5 साल का मौका मिलता है तो? हमें सभी मुद्दों का हल करना है, पानी की व्यवस्था को करना है और स्वस्थ अभियान रखना है। यहाँ कोविड-19 चल रहा है, उनके लिए भी ये मास्क करना है, सभी को दूरियाँ बना के रखना है और हम स्कूल में बालक बालिकाओं के को भी विकास करेंगे। आप एक महिला उम्मीदवार हैं, आप पर जनता ने विश्वास जताया है, आप उम्मीदवार के रूप में मौजूद हैं, कैसी क्या प्राथमिकता रहेगी ताकि क्षेत्र के शिक्षा के क्षेत्र के अंदर बालिका भी आगे बढ़ सके? बालिकाओं को बढ़वाएंगे, निःशुल्क व्यवस्था देंगे उनको और कोरोना से भी दूर रखेंगे और बालिका विद्यालय खुलवाएंगे।
बिल्कुल, महिला प्रत्याशी होने के साथ साथ बालिका विद्यालय की भी एक बड़ी मांग है। इनका कहना है कि क्षेत्र के अंदर सर्वांगीण विकास हो। खाजूवाला पंचायत समिति से सटी ग्राम पंचायत 22 केवाड़ी, हालांकि मेरा भी ये हल्का है, इस क्षेत्र के अंदर कई समय से नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं इन उम्मीदवारों की ये प्राथमिकता रहेगी कि इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो। हमारे साथ अन्य यहाँ पर मतदाता भी इनसे जानना चाहते हैं, जो क्षेत्र के अंदर समस्या नजर आ रही है, किस तरीके से आप उम्मीदवार चाहिए ताकि उसको हल करवा सकें? हम गांव की जो भी समस्याएं हैं उनको हर प्रकार से करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे भाभी साहब जी हैं जो सरपंच प्रतिनिधि हैं, तो मैं सभी ग्रामवासियों के साथ ये आश्वासन देना चाहूँगा कि सड़क, मोहल्ला, गली, जो भी समस्या है गांव की, पूर्णतः हम सभी गांवों के व्यक्तियों के साथ इकट्ठे होकर हर समस्या का समाधान करेंगे और सभी ग्रामीणों की हर समस्या का समाधान करेंगे हम। बिल्कुल, इनका कहना है कि बिना किसी द्वेष भावना के क्षेत्र के अंदर पंचायत का विकास कार्य करवाया जाएगा, वहीं सरकार की योजना को पंचायत में क्रियान्वित किया जाएगा ताकि इस क्षेत्र का विकास हो सके। वहीं बात करें तो शुद्ध पेयजल, डाट कवरिंग, चिकित्सा, शिक्षा के अंदर एक बड़ी समस्या नजर आ रही है। 22 केवड़ी ग्राम पंचायत आज भी कई मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, तो उम्मीदवार संजना मेघवाल का कहना है कि प्राथमिकता से इन कार्यों को हल करवाकर जनता के बीच में एक सामंजस्य बनाते हुए क्षेत्र का विकास कार्य करवाया जाएगा। टुडे 24 के लिए सुरेंद्र डेलू, बीकानेर।